हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रितुस कुक बुक में। आज हम बना रहे हैं एक मैक्सिकन डिश जिसका नाम है मैक्सिकन बरिटो बोल, और ये एक बोल में सर्व किया जाता है एंड इट्स अ वन मील डिश। अगर आपने ये बना लिया तो आपको कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है, कोई और प्रिपरेशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस इसकी कुछ प्री प्लानिंग करनी होगी जो अगर आप पहले से करके रखें तो आपको सर्व करने में आसानी होगी। बस इसकी कुछ लेयरिंग करनी है और सर्व करना है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम बनाएंगे एक सॉर क्रीम, और सॉर क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए हंकर्ड यानी कि चक्के वाला दही। दही वाटरी नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च पाउडर, और जैसे कि ये सॉर क्रीम बनानी है हमें तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। यहाँ पे जो हंकर्ड यूज़ किया है मैंने, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, एकदम फ्रेश है, तो मैं यहाँ पे हाफ अ टीस्पून जितना डाल रही हूँ। अगर लगता है आपको आपका हंकर्ड खट्टा है तो इसमें कम डालें, और इससे अच्छे से फेंट लें ताकि एक इसमें क्रीमी टेक्सचर आ जाए और एकदम स्मूथ हो जाए। तब हमारी सॉर क्रीम रेडी है और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमें एक सालसा बनाना है, और सालसा बनाने के लिए हमें लेना है एक बड़े साइज़ का टमाटर, और इसे बारीक काट लेना है, और मैं एक फ्लैट चम्मच की हेल्प से इसे थोड़ा सा दबा दूंगी ताकि इसका रस निकल जाए। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, हल्के से इसे दबाना है, कुछ इस तरह से। और अब इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ, सॉल्ट एज पर टेस्ट, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, और इसको एक टैंगी फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है टोमेटो सॉस। ये करीब 1 टीस्पून जितना डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमें, बस इतना ही डालेंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे एक बार फिर से थोड़ा उल्टा चम्मच फेरते हुए ताकि इसके सारे फ्लेवर्स अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएं। अब हमारा सालसा भी रेडी है और इसे भी रख देंगे फ्रिज में। अब हम बनाएंगे रिफ्राइड बीन्स। रिफ्राइड बीन्स बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है, और इसे गर्म होने देंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब इसमें डालें एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, और इसे हमें सॉटे करना है, और इसे तब तक सॉटे करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। तो जब तक यहाँ ये ऑनियंस फ्राई हो रहा है, मैंने यहाँ पे एक और कढ़ाई लगा ली है। यहाँ पे हम बनाएंगे मैक्सिकन राइस। तो इसमें डाला है 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना ऑयल, और इसमें डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, और इसे भी सॉटे करेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। तो जो प्याज पहले हमने डाले थे वो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, और इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिसे मैंने चॉपर में चर्न कर लिया है। इसे मैंने मिक्सी में नहीं डाला है, आप चाहें तो इसे बारीक काट के भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मिला लें। हमें इसे थोड़ी देर फ्राई करना है ताकि टमाटर का कच्चा टेस्ट चले जाए इसमें, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और 2 टीस्पून जितनी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, और इसे कुछ देर पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि हमारी ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी थिक भी हो जाए और टमाटर का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। और ये वाले प्याज भी अब फ्राई हो चुके हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, और इसमें डाल देंगे एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ग्रीन कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम, आप चाहें तो रेड वाला भी डाल सकते हैं। और इसी में डाल देंगे बारीक कटी हुई 2 गाजर,
सब्जियां इसमें बिल्कुल ऑप्शनल हैं, जो आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इन पर्टिकुलर सब्जियों से ही आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें जुकीनी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो बेबी कॉर्न डाल सकते हैं। और इन सब्जियों को अगर आप लेंथ वाइज काटना चाहें लंबा जूलियंस की तरह, तो वो भी आप काट सकते हैं। बारीक काटना चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। और इन सब्जियों को मैं थोड़ा सा साइड में करते हुए, सेंटर में 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं जिन्हें मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसे हम फ्राई कर देंगे थोड़ा सा। बस इसे यूं ही छोड़ देंगे, 1 से 2 मिनट के अंदर ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो अभी ग्रेवी भी अच्छे से थिक हो गई है, टमाटर भी पक गए हैं। अब इसमें डाल देंगे मैश्ड राजमा। राजमा को मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था और इसे कुकर में 4 से 5 सीटी आने तक पका लिया है, और इसे थोड़ा सा मैश कर दिया है। बहुत फाइन पेस्ट की तरह मैश नहीं करना है, और इसे इस ग्रेवी में अच्छे से मिला लेंगे। और मैंने इसका पानी भी रिजर्व करके रखा है, राजमा का जो बॉईल किया था, ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे जो गार्लिक हमने फ्राई किया था वो देखिए अब अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत अच्छा फ्लेवर और स्मेल आ रहा है इसमें। ये ग्रेवी थोड़ा थिक लग रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चिली सॉस, करीब 1 टीस्पून जितना, और टोमेटो सॉस। यहाँ पे पहले मैं 2 टीस्पून जितना डाल रही हूँ, बाद में ज़रूरत पड़े तो और डाल देंगे। और इनको अच्छे से मिला लें और इसे कुछ देर पकने दें ताकि ये सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिल जाएं। और अब इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। राइस बनाने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, इन्हें क्रंची ही रखना है। और अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा स्वीट कॉर्न। ये फ्रेश वाला स्वीट कॉर्न है, फ्रोज़न नहीं है। इसे मैंने प्रेशर कुक कर लिया था 1 सीटी आने तक, और इसके दाने निकाल दिए हैं। अच्छे से मिला लें इन सबको। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मैक्सिकन डिशेस वैसे तो थोड़ी टैंगी ही होती है, और रिफ्राइड बीन्स टेस्ट गुड ओनली इफ इट इज टैंगी। तो आप इसे एक बार टेस्ट कर लें, अगर आपको लगे इसमें सॉसेस की कुछ कमी है तो थोड़ा और डाल दें। आप इसमें दूसरे टाइप के सॉसेस भी डाल सकते हैं, हॉट एंड स्पाइसी, स्वीट चिली। मुझे इसमें थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें और थोड़ा टोमेटो सॉस डाल रही हूँ, और डालेंगे इसमें चिली गार्लिक सॉस। इससे इसमें टेस्ट और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा आएगा। और अब इन सबको अच्छे से मिला लें, और हमारी रिफ्राइड बीन्स तैयार है। बस अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और चलते हैं हमारे आखिरी स्टेप की तरफ। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे, करीब 1/2 टीस्पून जितना। हमें इसे ज़्यादा रेडिश नहीं करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कलर थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी। और इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसमें भी डालेंगे कुछ सॉसेस। 1 टीस्पून जितना ग्रीन चिली सॉस डालेंगे, और 2 टीस्पून टोमेटो सॉस। जब गार्लिक का फ्लेवर और सॉसेस का फ्लेवर सब आपस में वेजिटेबल्स का अच्छे से कंबाइन होता है तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इन सबको अच्छे से मिला लें, और अब इसमें डाल देंगे कुक्ड राइस। राइस को मैंने पहले से ही पका के ठंडा कर लिया है ताकि जब हम इसमें मिक्स करें तो वो अच्छे से खिले खिले रहें। और राइस को हमें 80% ही पकाना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना ये बहुत मैशी हो जाएंगे। ये एक नॉर्मल राइस लिया है मैंने,
जो हम घर पे रेगुलर बनाते हैं वो, और इसे मैंने नॉर्मल कटोरी जो आती है वो उसमें से मैंने 1.5 कटोरी राइस लिया है, और राजमा भी करीब 1/4 कटोरी जितना रात में भिगाया था। और इन सबको अच्छे से मिला लें, और मिलाने के लिए आप इस तरह का कोई फ्लैट चम्मच ही यूज़ करें या किसी स्पैचुला की हेल्प से मिलाएं। देखिए कितने अच्छे से मिल गया है और चावल भी सारे अच्छे से खिले खिले हैं। अब फ्लेम बंद करके हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, ये हमारे राइस रेडी हैं, रिफ्राइड बीन्स रेडी हैं, कुछ सैलेड लीव्स हैं, साल्सा है और सॉर्ट क्रीम है। बस अब हम इन्हें सबको असेंबल करना है। और इसे सेट करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक ट्रांसपेरेंट बोल का यूज़ करें, ताकि आप बाहर से जब उसके लेयर्स देखें तो देखते ही बहुत अपीलिंग लगें। कुकिंग फूड इज़ जस्ट नॉट एनफ, यू नीड टू डू द राइट काइंड ऑफ प्लेटिंग। तो जब प्लेटिंग अच्छी होगी तो खाना अपने आप सुंदर दिखेगा। तो लेयर करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें डालना है राइस, ये करीब हम हाफ बोल जितना डालेंगे, और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, बस इसे लेवल करना है। और इसके ऊपर डाल देंगे रिफ्राइड बीन्स, और इसे भी हमें एक लेयर लगाना है, बहुत थिक नहीं लगाना है, बस जैसे इसके ऊपर एक स्प्रेड करना है हमें। और रिफ्राइड बीन्स के ऊपर हम डालेंगे सॉर क्रीम, सॉर क्रीम को मैं किनारे से होते हुए लगाऊंगी, ताकि जब बाहर से वो दिखे तो बहुत सुंदर लगेगा। तो आप पहले सारे बॉर्डर्स पे डाल दें और बाद में उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लें। और इसके ऊपर हम डाल देंगे साल्सा, इसे भी एक थिन लेयर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हम लगाएंगे कुछ सैलेड लीव्स, इसे मैंने थोड़े ठंडे पानी में डाल के रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये रिफ्रेश हो जाएं और इसमें एक क्रंचीनेस आ जाए। और इन सब के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो सैलेड लीव्स ज़रूर डालें। जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे आपको राइस और राजमा की सब बताई है, उसमें आप करीब इस तरह के 5 सर्विंग्स इजीली बना सकते हैं। और अगर आपको अपनी फैमिली के हिसाब से ऑल्टर करना है तो यू कैन रिड्यूस और इंक्रीज द क्वांटिटी। और अगर कुछ बच भी जाता है जैसे सॉर क्रीम या साल्सा, तो आप उसको टेबल पे ऐसे ही किसी बोल में डाल के सर्व कर दें, और कुछ नैचो चिप्स ऐसे ही रख दें, वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और साल्सा के ऊपर डाल देंगे थोड़े से नैचोस क्रश करके, और इसको टॉप करेंगे ग्रेटर चीज़ के साथ। तो हमारे सारे कंपोनेंट्स हमने डाल दिए हैं इसमें, और फाइनली टॉप करेंगे कुछ नाचो चिप्स के साथ। तो अब हमारा बोल कंप्लीटली रेडी है। मैं आपको इसके लेयर्स दिखाती हूँ, ये कितना सुंदर दिखता है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने डाली है राइस की लेयर, फिर रिफ्राइड बीन्स की लेयर, सॉर क्रीम, और कुछ सैलेड लीव्स, चीज़, नैचोस। सो रेडी टू ईट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? होप यू लाइक्ड इट, एंड डू गिव इट अ ट्राई, एंड लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।